अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के फोर्थ पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्टेड। वर्ड्स और मीनिंग है, वर्ड है फॉरेन, मीनिंग होगा इसका बैरूनी या गैर मुल्की। इसके बाद हिस्ट्री, तारीख, इंस्टेंसेस, मिसालें, डिफेंस, दफा, ब्रेव, बहादुर, अटेम्प्ट, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, मार्टिडम, शहादत। यहाँ पर आर साइलेंट है, ये लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इसके बाद वर्ड आता है अवार्ड, अजाज, मिलिट्री, फौजी, स्टे स्टे अलर्ट, चुकन्ना होना या बाखबर होना, इन्वेशन, हमला, लेट देयर लाइफ, अपनी जिंदगी कुर्बान करना, वार्स, जंगें, सोल्जर्स, फौजियों, अम्ब्रेस्ट, कबूल करना, फाइटिंग, लड़ते हुए, हाईएस्ट, आला तरीन। हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के फोर्थ पैराग्राफ के वर्ड सिग्नम पढ़ेंगे। आज आपके लिए हम दो दो सिग्नम्स लाए हैं। पहला वर्ड है अलर्ट, सिग्नम होंगे उसके वाचफुल, अवेयर। फॉरनर, इसके सिनोनिम हैं एक्सटर्नल, आउटसाइडर। डिफेंस, इसके सिनोनिम होंगे प्रोटेक्ट, गार्डनिंग। क्या वर्ड है ये? गार्डनिंग, गार्ड होता है ना, गार्डिंग। इसके बाद वर्ड आता है इम्ब्रेस्ड, इसके सिनोनिम होंगे वेलकम, रिसीव, इन्वेजन, इंट्रूजन, अटैक। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के फोर्थ पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं उनके एंटोनिम पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड मिलिट्री, एंटोनिम सिविल, पीसफुल। अवार्ड रिफ्यूज, डिनाय। स्प्रिट फियर, रियलिटी। मार्टिडम अपोस्टेसी, कंफर्ट, हैप्पीनेस। इसके मैंने आपको तीन बता दिए। ब्रेव, कोवर्ड, फियरफुल। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के फोर्थ पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्टेड। अब हम पढ़ने लगे। द स्प्रेड ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। गैर मुल्की या बैरूनी हमले की सूरत में जज्बा बुलवतनी हमें चुकन्ना या बाखबर रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देर आर मैनी इंस्टेंसेस वेन पीपल लेड देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दफा के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की। इन द वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। 1965 और 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर फौजियों ने मादे वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जान कुर्बान की। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लास्ट नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान, ऑल अम्ब्रेस मार्टिडम वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, हवाबाज ऑफिसर राशिद मिनहाज, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लास्ट नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान सब ने अपने मादे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत दी। नेक्स्ट है जी, ऑल ऑफ देम वर्स अवार्डेड निशान हैदर द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू द ग्रेट पैट्रियोट्स हु लेड ऑन
देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, उन सबको निशान हदर दिया गया जो सबसे आला फौजी अजाज है, जो अजीम हब, जो अजीम हुब्बुल वतन को, सॉरी मैं बोल भूल गया, जो अजीम हुब्बुल वतनों को दिया जाता है, जो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अब हम चैप्टर पैट्रियटिज्म के फोर्थ पैराग्राफ में से मुतल्लिका सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। सवाल की उर्दू होगी, पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज कौन सा है। जवाब में से दो चीज़ों का इजाफा करना है और दो चीज़ें ख़त्म करनी है। पहली चीज़ जो ख़त्म करनी है वो व्हाट है, और दूसरी चीज़ क्वेश्चन मार्क है। आंसर होगा निशान हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, लास्ट में फुल स्टॉप। अब हम चैप्टर पैट्रियटिज्म के फोर्थ पैराग्राफ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं उनमें से चंद देख के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। वर्ड है फॉरेन, सेंटेंस होगा द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। फिर वर्ड है हिस्ट्री, पाकिस्तान हैज स्प्लेंडेड हिस्ट्री, स्प्लेंडेड का मीनिंग शानदार है। वार्स, दीज वार्स, सॉरी मैं तो फिर दोबारा से पढ़ता हूँ, दीज आर वार्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी एम्ब्रेस मार्टिडम अवार्डेड, ब्रेव सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी अवार्डेड निशान हैदर।